हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपका सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था बच्चों, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर थर्ड था उसका नाम था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और उससे संबंधित रॉल्ट्स लॉ, ग्राफ और न्यूमेरिकल के बारे में जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं ये सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जिसका नाम है ऑस्मेटिक प्रेशर। क्या नाम है बच्चों? ऑस्मेटिक प्रेशर। लेकिन ऑस्मेटिक प्रेशर जानने से पहले बच्चों, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ऑस्मोसिस जानेंगे कि ऑस्मोसिस होता क्या है, क्योंकि जब तक आप ऑस्मोसिस को क्लियर नहीं करोगे ऑस्मेटिक प्रेशर क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आइए बच्चों, देखते हैं जल्दी से अब इस टॉपिक को। यहाँ पर कहता क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर फोर, सॉल्यूशन चैप्टर का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर फोर। क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर फोर कहता है बच्चों ऑस्मेटिक प्रेशर कहता है, लेकिन ऑस्मेटिक प्रेशर से पहले हम ऑस्मोसिस प्रोसेस को जानेंगे, तब आगे जाकर ऑस्मेटिक प्रेशर जानेंगे। तो देखिए कहता क्या है बच्चों, डिफिनेशन सबसे पहले अगर इसका देखें ऑस्मोसिस का, तो कहता है बच्चों कि वेन अ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर केप्ट विद द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ध्यान देंगे बच्चों, है ना, यानी कि एक प्योर सॉल्वेंट और एक सॉल्यूशन को रखा जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बिटवीन देम, यानी उनके बीच में, है ना। देन द सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास थ्रू मेम्ब्रेन फ्रॉम दिस सॉल्वेंट साइड टू दिस सॉल्यूशन साइड, है ना। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी सीधा सीधा बात है बाबू, इसको हम आपको शॉर्टली यही समझा सकते हैं कि अगर हम एक बर्तन रखें या एक पॉट रखें, उसमें एक साइड प्योर सॉल्वेंट रखें, एक साइड सॉल्यूशन रखें और बीच में मेम्ब्रेन रखें, तो होता क्या है बच्चों कि सॉल्यूट जो सॉल्वेंट जो साइड के पार्टिकल्स होते हैं उस मेम्ब्रेन को पार करके कहाँ चले जाते हैं, किस में चले जाते हैं, तो सॉल्यूशन साइड में चले जाते हैं। तो इस घटना को या इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक ना बच्चों। तो अब आपको लगेगा कि ये मेम्ब्रेन क्या होता है, तो देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है बच्चों, एक कह सकते हैं पतली सी झिल्ली होती है, परत होती है स्किन का, जैसे एक लेयर, ये स्किन का लेयर क्या है बच्चों, मेम्ब्रेन है। इससे क्या होता है, पसीना बाहर आता है, तो मेम्ब्रेन है जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं मेम्ब्रेन में ना, और इसमें क्या होते हैं, हमेशा याद रखना आपको सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होते हैं ना, यानी जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की नोट में हमने लिख भी दिया है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दैट अलाउज ओनली अ स्मॉल मॉलिक्यूल टू पास थ्रू, है ना, एंड ब्लॉक्स द लार्जर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। यानी कहने का मतलब है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ करता है कि छोटे पार्टिकल्स को ही अपने साथ वो अपने द्वारा पास करेगा, और बड़े पार्टिकल्स जो उनसे उसको वो ब्लॉक कर देगा, रोक देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बच्चों इसको हम समझाने के लिए एक फिगर का यहाँ पर सहारा लेते हैं। तो देखो इस फिगर में हमने देखा है बच्चों कि हमने क्या किया, एक बीकर बनाया है एक बड़ा सा। इस बीकर में देखो बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया, बीच में मेम्ब्रेन डाल दिया है। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे आप फिगर में, ये बीच में मेम्ब्रेन है बच्चों, एक साइड सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल है और एक साइड देखिए सॉल्यूशन पार्टिकल्स है बच्चों। अब आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, सॉल्वेंट साइज पार्टिकल्स देखिए बच्चों छोटे छोटे स्मॉल हमने बनाया है, नहीं सॉरी, यहां पर जो बच्चे हमने जो पार्टिकल्स बनाया है, सॉल्वेंट छोटे होंगे और सॉल्यूट क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो देखिए बड़े बड़े पार्टिकल्स जो है बच्चों क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स है, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स है बच्चों। तो अब ध्यान देंगे आप कि ये जो मेम्ब्रेन रखा गया है, तो सॉल्यूशन में इस साइड जो हम देख रहे हैं, जो हमारा राइट साइड है बच्चों, तो राइट साइड में क्या है कि ये सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है, और सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर मान लो सपोज हमारा ये एक्वस सॉल्यूशन है बच्चों, समझने के लिए अगर ले लेते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये क्या लो वाटर कंसेंट्रेशन बता रहा है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या है, सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इधर क्या है, पूरे के पूरे क्या है बच्चों, तो पूरे के पूरे जो है सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, है ना। यानी कि पूरे के पूरे जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स है बच्चों यहां पर, तो यानी कि सब इसमें क्या है स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, और इसमें सब क्या है, तो इसमें सब जो है से कह सकते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स नहीं है, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी है, कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स भी है, क्योंकि वो सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है, ये सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स कंटेन कर रहा है। तो होता क्या बच्चों कि ये हाई वाटर कंसेंट्रेशन रखता है क्योंकि इसमें ज्यादा है वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये लो वाटर कंसेंट्रेशन कंटेन करता है क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, क्योंकि उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी घुले हुए हैं। तो होता क्या बच्चों कि आपको पता है जैसे हीट में क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है, एज लाइक बस ऐसे भी यहां भी वैसे ही होने वाला है कि इधर ज्यादा सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स इस मेम्ब्रेन को पार करके कहां चले जाते हैं बच्चों, तो सॉल्यूशन साइड में चले जाते हैं, और इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेम्ब्रेन अलाउ करता है कि छोटे पार्टिकल्स इससे पार हो सकते हैं, और ये हाई कंसेंट्रेशन है और उधर लो कंसेंट्रेशन वाटर था, इसलिए हाई टू लो आसानी से पास कर जाते हैं। इसी घटना को बच्चों क्या कहते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस कहते हैं। इसको नोट करेंगे।
देखिए बच्चों, यहाँ पर अब क्या हम बताने जा रहे हैं, इसके बाद जहाँ तक आपने पढ़ा ऑस्मोसिस के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानेंगे हम लोग। यही आपका कोलिगेटिव नंबर 4 है बच्चों। तो क्या कहता है कि देखिए, इसका सबसे पहले डिफिनेशन नोट करते हैं। डिफिनेशन कहता है बच्चों कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, दैट इज टू स्टॉप द पासेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनटू सॉल्यूशन, है ना। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि इसका डिफिनेशन यही कहता है कि हम एक ऐसा प्रेशर एग्जर्ट करते हैं जिसके कारण क्या होता हो, तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता हो, या कह सकते ऑस्मोसिस का प्रोसेस बंद हो जाता हो, है ना। तब हम वहाँ पर जो प्रेशर एग्जर्ट किए थे सॉल्यूशन पर, वही क्या कहलाएगा बच्चों, तो वही कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसको हमेशा हम लोग याद रखेंगे पाई से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करोगे, पाई से। जैसे देखो, इसको हम समझने के लिए बच्चों हमने एक फिगर ड्रा किया है। ये देखो मेरा सॉल्यूशन, इधर सॉल्वेंट है। देखो दोनों के बीच में हम ऑस्मोसिस करा रहे हैं मेम्ब्रेन के थ्रू, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए एक प्रेशर लगा रहे हैं, यहाँ भी एक प्रेशर लगा रहे हैं, तो दोनों पे सेम प्रेशर लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक प्रेशर जो है एग्जर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, पाई जो यहाँ पर थोड़ा सा एग्जर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए ताकि कि प्रेशर दोनों का जब इक्वल हो जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन का प्रेशर और सॉल्वेंट का प्रेशर, तो दोनों के पार्टिकल्स यहाँ पर जाकर क्या हो जाएंगे, स्टॉप पासेज मॉलिक्यूल्स यानी SPM के थ्रू में आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर उनके मॉलिक्यूल्स पास होना क्या कर जाएंगे, बंद कर जाएंगे बच्चों। क्योंकि देखो पहले से तो हमने प्रेशर इक्वल रखा है, और पाई जो है ये ऑस्मेटिक प्रेशर और एग्जर्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन पे, ज़्यादा हमको देना पड़ा क्योंकि इसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज़्यादा है, तो इसके पार्टिकल्स जल्दी आना चाहेंगे ना, तो इसलिए स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि एक थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं सॉल्यूशन पार्टिकल्स पर ज़्यादा, जिससे ये प्रोसेस क्या हो जाए, ये प्रोसेस पूरा स्टॉप हो जाए, यानी ऑस्मोसिस हो ही नहीं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ऑस्मेटिक प्रेशर। अब देखो बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस पे आते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या कहता है बच्चों, ऑस्मोसिस के बाद जो है एक रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, ये भी शॉर्ट डिफिनेशन में कभी पूछता है। तो कहता है बच्चों कि इफ अ प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, है ना, द सॉल्यूशन, है ना, द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू प्योर सॉल्वेंट। यानी अगर हम सॉल्यूशन के साइड में ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर दे बच्चों, तो होता क्या है कि सॉल्यूशन के सॉल्वेंट पार्टिकल्स सॉल्यूट सॉल्वेंट की ओर जाना शुरू कर देते हैं, तब उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब समझो कि ऑस्मोसिस का उल्टा है बच्चों। इसमें ऐसे जनरली होता है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन को पास करके सॉल्यूशन में जाते हैं, लेकिन होता क्या बच्चों कि अगर हम सॉल्यूशन साइड प्रेशर ज़्यादा लगा दें तो वहाँ पर उल्टा केस हो जाता है, उसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स न जाकर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं, वो जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो पास होकर चले आते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू, कहाँ, सॉल्वेंट में। तो इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इसके बाद देखो बच्चों, 3 शॉर्ट डिफिनेशन है, इसको याद रखना है। जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, पूछता है शॉर्ट डिफिनेशन में। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या कहता है, तो दो सॉल्यूशन, है ना, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि एक टेम्परेचर पर दो सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, तो कहता है कि देखो एक सॉल्यूशन जो होता है अगर उसका लोअर कंसंट्रेशन है या लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर है किसके थ्रू, दूसरे सॉल्यूशन के थ्रू, तो उसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं दूसरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। और हाइपरटोनिक में क्या होता है कि एक सॉल्यूशन जिसका बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है दूसरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, या दूसरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों इसको जल्दी से नोट करोगे, इसके बाद हम आगे बताते हैं। तो देखो बच्चों, ऑस्मेटिक प्रेशर जानने के बाद हम लोग यहाँ पर जब पढ़ेंगे कुछ लॉ ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर के बारे में, कुछ लॉ दिए गए ऑस्मेटिक प्रेशर से रिलेटेड, जिसमें लॉ जो दिया गया वो वांट्स हॉफ के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया बच्चों, वांट्स हॉफ के द्वारा। कहता है वांट्स हॉफ एक्सप्रेस सम लॉ फॉर ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ डायल्यूट सॉल्यूशन आर कॉल्ड लॉ ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर। कुछ इन्होंने लॉ दिया ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए, जिसको हम लोग लॉ ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर कहते हैं, जिसमें सबसे पहला लॉ है देखो बच्चों, जैसा सबसे पहले तो ये जान लेना कि वांट हॉफ का एक चीज़ कहना क्या था कि किसी भी डायल्यूट सॉल्यूशन का जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है बच्चों, वो बिल्कुल उस प्रेशर के इक्वल होता है जो आइडियल गैस का प्रेशर होता है। यानी कि डायल्यूट सॉल्यूशन का जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, तो आइडियल गैस के जो प्रेशर होते हैं उसके इक्वल माना जाता है। ये कहना था वांट हॉफ का। इसलिए इन्होंने क्या किया, जितने भी लॉ बनाए हैं उस सारे लॉ में क्या किया इन्होंने, तो आइडियल गैस के लॉ को, आइडियल गैस के प्रेशर के लिए जो लॉ दिया गया है उसको इन्होंने क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया है। और इसी चीज़ को हम यहाँ पर आप क्लियर करेंगे बच्चों। तो देखिए कहता क्या, फर्स्ट लॉ बॉयल्स वांट हॉफ लॉ। देखिए बॉयल्स लॉ
जो है किसके लिए चलता है, तो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस के लिए चलता है। अब यहाँ पर हम यहाँ बॉयल वांट्स ऑफ हो गया, मतलब वांट्स ऑफ ने इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऑस्मेटिक प्रेशर के लिए बना दिया, किसके साथ मिलकर, बॉयल्स के साथ मिलकर। कहता क्या बच्चों कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ डायलूट सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कहता है कि जो अगर टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट हो बच्चों, तो वहाँ पर जो प्रेशर है, ऑस्मेटिक प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो किसका प्रोपोर्शनल है, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का प्रोपोर्शनल है। तो इसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन बनाया बच्चों, लेट कर लेते हैं, ऑस्मेटिक प्रेशर पाई और सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन सी। तो अब क्या होना चाहिए बच्चों, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी होना चाहिए जब एट कॉन्स्टेंट टी, जब टी कॉन्स्टेंट है तो पाई किसका प्रोपोर्शनल होना चाहिए, सी का होना चाहिए बच्चों। लेकिन सिंस आपको याद रखना है कि जो कंसंट्रेशन होता है बच्चों वो वॉल्यूम का रेसिप्रोकल होता है, सॉल्यूशन के वॉल्यूम का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो सी इज इक्वल टू 1/v होता है, ये आप ध्यान में रखोगे। तो हम यहाँ सी की जगह पर क्या रख सकते हैं, 1/v रख सकते हैं। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/v, और पाई इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोपोर्शनल टॉक है तो कॉन्स्टेंट से गुना करोगे ना, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करोगे, कॉन्स्टेंट हो जाएगा के इंटू 1/v। के क्या बच्चों, एक कॉन्स्टेंट है, यही जाकर आगे फिर आइडियल गैस का गैसेस कांस्टेंट बन जाएगा बच्चों। अभी यहां पर हम के लेकर चले रहे हैं और यहां हो जाएगा पाई वी इज इक्वल टू के। तो ये था फर्स्ट लॉ, इसको आप नोट करोगे। तो देखो बच्चों अब यहां पर हम लोग जानेंगे सेकेंड लॉ। पहला लॉ में हमने पढ़ा था बॉयल वांट सॉफ लॉ, तो अब इसके बाद है सेकेंड लॉ में कहता है चार्ल्स वांट हॉफ रूल। देखो चार्ल्स वांट हॉफ रूल क्या कहता है बच्चों कि एट कॉन्स्टेंट कंसेंट्रेशन, अब कंसेंट्रेशन को अगर हम कॉन्स्टेंट रखते हैं सॉल्यूशन का, तो जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है डायलूट सॉल्यूशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है बच्चों, टेम्परेचर का हो जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि जिस समय सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर पे उसको सॉल्यूशन को बनाया गया होगा, वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो अगर पाई तो पता ही आपको बच्चों ऑस्मेटिक प्रेशर होता है और टी टेम्परेचर होता है, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा सेकेंड लॉ के थ्रू एट कॉन्स्टेंट सी पर। तो आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कॉन्स्टेंट के लगाएंगे बच्चों, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू टी, और पाई टी इज इक्वल टू क्या आप लिख सकते हैं, पाई बाई टी इज इक्वल टू के लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए थर्ड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ के बाद हम आते हैं। ये एवोगैड्रो वांट हॉफ रूल है, ये वांट हॉफ एवोगैड्रो के साथ मिक्सडअप होकर जो है कह सकते हैं बनाया है लॉ को। कहता है एट कॉन्स्टेंट सी एन टी, सी एन टी का मतलब बच्चों सी से कंसेंट्रेशन, टी से टेम्परेचर, यानी एट कॉन्स्टेंट कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ डायलूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी यहाँ पर बताता है कि अगर हम किसी सॉल्यूशन के जो है कह सकते हैं कि कंसेंट्रेशन को और टेम्परेचर को दोनों को क्या करें, अगर हम कॉन्स्टेंट रखें, दोनों को क्या रखें, कॉन्स्टेंट रखें, कंसेंट्रेशन को भी और टेम्परेचर को भी, तब क्या कहता है कि जो सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा उसी का प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, डायलूट सॉल्यूशन का ऑस्मेटिक प्रेशर। तो बच्चों इसके लिए हम यहाँ एक एक्सप्रेशन लेट करेंगे, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या लेट करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू अ स्मॉल एन, और पाई जो होगा क्या हो जाएगा तब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होना चाहिए बच्चों लॉ के अनुसार, और वहां पर क्या होना चाहिए, एट कॉन्स्टेंट सी एंड टी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू एन, यानी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो हम कहेंगे पाई बाई एन इज इक्वल टू के हो जाएगा बच्चों। तो इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, इसको मिक्सअप करके एक जो है हम यहाँ पर क्या देंगे बच्चों, इक्वेशन ऑफ डायलूट सॉल्यूशन कंटेन करेंगे। तो देखो बच्चों अब इसके बाद जानेंगे इक्वेशन ऑफ डायलूट सॉल्यूशन, डायलूट सॉल्यूशन का इक्वेशन क्या होगा, तीनों लॉ को मिक्स करके एक डायलूट सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन बनाया गया बच्चों। तो देखिए एक्सप्रेशन क्या कहता है, कहता है कि हम चलते हैं सबसे पहले फ्रॉम बॉयल लॉ, तो बॉयल वांट हॉफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है बच्चों, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v आपने इस पहले एक्सप्रेशन में पढ़ा है। दूसरा कहता है फ्रॉम चार्ल्स वांट हॉफ रूल के थ्रू अगर चलते हैं तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा बच्चों, टी हो जाएगा, ये सेकंड इसको मान लेते हैं इक्वेशन। इसके बाद थर्ड कहता है फ्रॉम एवोगैड्रो वांट हॉफ रूल, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हमने क्या बताया था, एन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग चलते क्या बच्चों, तो तीनों इक्वेशन को आपस में इक्वैलेट कर देते हैं। तो यानी कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, देखो सभी साइड पाई है, तो 1/v × t × n। अब यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे बच्चों, और यहाँ देखिए एक नया कांस्टेंट हमने लाया है, k की जगह पर हमने क्या ला दिया है, r। r का मतलब क्या बच्चों, तो r यहाँ पर जो है हमने बताया था कि देखो इक्वेशन ऑफ डायलूट सॉल्यूशन जो बनाया गया, डायलूट सॉल्यूशन कॉस्मेटिक प्रेशर के लिए जो वांट हॉफ ने लॉ दिया है, वो बताया है कि वो किसके इक्वल है, तो आइडियल गैस के वेपर प्रेशर के, आइडियल गैस के प्रेशर के क्या है, इक्वल है। तो इसलिए हम आइडियल गैस कॉन्स्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, एक गैसियस कॉन्स्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या, आर। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू 1/v × t × n, यानी कि यहां से वी को इधर लाएंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, एक इक्वेशन बनेगा, पाई वी इज
इक्वल टू एन आर टी, इसको आप कहोगे इक्वेशन ऑफ डायलूट सॉल्यूशन, वेयर आर इज इक्वल टू क्या कहता है बच्चों, गैसियस कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो होती है वो आपको हमेशा न्यूमेरिकल में कितनी रखनी होगी, 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, उसकी यूनिट होती है बच्चों। इसके बाद देखो नीचे हम यहाँ पर देख टॉपिक लिखे बच्चों, जो अक्सर पूछ देता है कभी कभी आपसे क्वेश्चन में भी, और कि जो है ना कैसे मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालोगे इक्वेशन ऑफ डायलूट सॉल्यूशन से। तो देखिए हम यहाँ बताते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय इक्वेशन ऑफ डायलूट सॉल्यूशन। तो इसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं डायलूट सॉल्यूशन का बच्चों, क्या होता है पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसको इक्वेशन हम क्या मान लेंगे फर्स्ट लेट कर लेंगे। इसके बाद एन क्या है बच्चों, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, गिवेन मास बाय मोलर मास। तो गिवेन मास को स्मॉल एम मान लिया है, मोलर मास को क्या मान लिया है W मान लिया है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल m नहीं इसको a मान लो बच्चों, a लेट कर लो क्योंकि मोलारिटी से भी एक ही टाइप का यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा, याद रहेगा पूरे चैप्टर में a बाय W। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे n की वैल्यू को, तो पाई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा a बाय W इनटू RT हो जाएगा, देयरफॉर W इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो a RT बाय पाई वी। यहां पर W क्या है बच्चों, तो लिख सकते हो आप वेयर W इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ऐसे आप जो है ना कह सकते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करोगे बच्चों। इस पर जो है कैसे न्यूमेरिकल्स आता है, एक न्यूमेरिकल्स आपको हम बता देते हैं इस पर, इसको जल्दी से आप नोट्स करो। तो देखो बच्चों अब इस पर हम आपको बताने के जो मोलर मास डिटरमिनेशन की है, फिर उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ डायलूट सॉल्यूशन पाई वी इक्वल टू एन आर टी बता दिए। अब इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको बता रहे हैं, बुक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे आप बनाएंगे, हम यहाँ पर एक दो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट बता देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो न्यूमेरिकल हम बताते हैं बच्चों, कहता है एट 0 डिग्री सेल्सियस फाइंड द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ 5% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये बोर्ड एग्जाम में आता है बच्चों, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो बच्चों सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या कहता है 5% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। तो 5% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब क्या समझोगे बच्चों, वहां मास ऑफ यूरिया कितना है 5 ग्राम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 100 ml, बिल्कुल सही। अब यहां पर हम लोग यूरिया का मोलर मास डिटरमाइन करेंगे बच्चों, पहले हम मोलर मास निकाल लेते हैं। तो मोलर मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यूरिया की फॉर्मूला होता है बच्चों NH2 का होल ट्वाइस और CO, तो इसको कर लोगे तो नाइट्रोजन डबल हो जाएगा तो 14 × 2, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, 4 एटम 2 × 2 तो 1 × 4, प्लस कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16, ऐड कर दोगे बच्चों 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा इसका मोलर मास। तो यानी हम यहाँ पर एक चीज़ लिखने वाले हैं बच्चों कि सिंस 5 ग्राम यूरिया कितना वॉल्यूम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है 100 ml में प्रेजेंट है, तो देयरफॉर 1 ग्राम कितना प्रेजेंट होगा बच्चों, तो 100/5 ml में हो जाएगा, तो 60 ग्राम कितना में हो जाएगा, यानी 60 ग्राम जो यूरिया का मोलर मास है बच्चों, यानी वन मोल कंटेन वन मोलर मास, वन मोल कंटेन होता है कंपाउंड का, क्या कंटेन करता है मोलर मास कंटेन करता है। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को डायरेक्टली बच्चों न लिखकर हम क्या कर रहे हैं कि हम टोटल बता दे रहे हैं कि उसके एक मोल में कितना जो है वॉल्यूम होगा। तो वहां पर हम इससे फायदा क्या होगा कि हम पाई वी इक्वल टू जो एन आर टी लिखते हैं उसको हम पाई वी इक्वल टू आर टी लिख सकते हैं, क्योंकि एन की जगह पर हमने क्या किया, यहां पर पहले ही कैलकुलेट करके उसको क्लियर कर दिया कि अगर 5 ग्राम यूरिया 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वॉल्यूम में, तो 60 ग्राम यूरिया कितना वॉल्यूम सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, तो उससे आपका क्या हो जाएगा, आपने एक मोल यानी 60 ग्राम क्या बता रहे यूरिया के वन मोल का मास बता रहा है, तो आप उसके लिए जब पूरा उसका वॉल्यूम डिटरमाइन कर ले रहे हो तो वहां पर फिर पाई वी इक्वल टू एन आर टी ना लिखकर क्या लिखेंगे पाई वी इक्वल टू आर टी लिख लेंगे। तो अब यहां पर देखिए बच्चों सिंस क्या कहा हमने कि 5 ग्राम यूरिया जो होता है 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो 1 ग्राम कितना में 100/5 ml में, तो देयरफॉर 60 ग्राम कितना में हो जाएगा बच्चों, तो 100/5 × 16 यानी 1200 ml हो जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन को हम लोग किसमें बनाते हैं बच्चों, वॉल्यूम को लीटर में बनाते हैं, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी लीटर में 1.2 लीटर 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम कुछ गिवेन अब लिखते हैं, गिवेन क्या लिखते हैं जैसे वॉल्यूम कितना आ गया 1.2 लीटर, आर गैसेस कांस्टेंट इसकी वैल्यू आपको पता है कितना 0.0821, और टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया हुआ बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस यानी इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 0 प्लस क्या हो जाएगा 273 केल्विन यानी कि 273 केल्विन। अब हम लोग को पता है बच्चों कि पाई वी इज इक्वल टू आर टी, जैसे पाई वी इज इक्वल टू आपको एन आर टी पता है बच्चों, एक चीज आप क्लियर रहोगे पाई वी इज इक्वल टू क्या पता है आपको एन आर टी, लेकिन जब हम डिटरमाइन कर लेते हैं उसके एक मोल मास का
हम वॉल्यूम डिटरमाइन कर लेते हैं, तो वहां पर हम एन को इजिली रिप्लेस कर देते हैं और ये इक्वेशन एन की वैल्यू कितनी हो जाती है वहां पर 1 मोल हो जाती है, और जब 1 मोल हो जाती है तो बच्चों तो पाई वी इज इक्वल टू जो फॉर्मूला हो जाता है 1 into RT, यानी कि पाई वी इज इक्वल टू क्या बन जाता है, RT फॉर्मूला बन जाता है, और इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं बच्चों। तो पाई वी इज इक्वल टू क्या है, RT, पाई वी इज इक्वल टू क्या है, RT है, तो पाई वी इज इक्वल टू RT है, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT/V हो जाएगा, और R की वैल्यू यहाँ से रखेंगे बच्चों 0.0821, T की वैल्यू रखेंगे 273 और V 1.2, इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों आ जाएगा 18.68 ATM इसका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों इस पर कई टाइप के क्वेश्चन होंगे, आप उनको बनाइएगा, और उनको जब बनाइएगा आप तो आपको कोई भी क्वेश्चंस में इससे संबंधित जब प्रॉब्लम्स होगा बच्चों तो आप उसको जो है हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना, थैंक यू सो मच।